हिमाचल पुलिस भी अब विकसित देशों की पुलिस पेट्रोलिंग की तर्ज पर अब चेकिंग के दौरान होने वाली घटनाओं को कैमरे में कैद करेगी, ताकि न केवल पुलिस कर्मियों के साथ होने वाली बदतमीजी की घटनाओं और आम जनता द्वारा पुलिस कर्मियों पर लगाए जाने वाले आरोपों की सही जांच की जा सके। पुलिस विभाग ने अब चेकिंग के समय बॉडी वॉर्न कैमरा लगाना शुरू कर दिया है। इस कैमरे के माध्यम से अब दूरदराज क्षेत्र में पेट्रोलिंग कर रहे पुलिसकर्मी की हर गतिविधि पर कंट्रोल रूम के माध्यम से भी नजर रहेगी। हमीरपुर पुलिस के साथ बदतमीजी करना अब लोगों को बहुत महंगा पड़ेगा, क्योंकि चालान प्रक्रिया के दौरान और यातायात व्यवस्था दुरुस्त करवाने के लिए कई बार ट्रैफिक कर्मियों को लोगों के कोप का भाजन बनना पड़ता था। तो गलती वाहन चालक की होने के बावजूद भी पुलिसकर्मी कुछ नहीं कर पाता था, लेकिन अब पुलिस के पास 40 बॉडी वॉर्न कैमरा पहुंच गए हैं, जिन्हें लगाकर हर वक्त ट्रैफिक कर्मी पैनी नजर रखेगा। एसपी हमीरपुर अजित सिंह ने बताया कि बार बार पुलिस के साथ हो रही बदतमीजी के चलते अब पुलिस ट्रैफिक का जिम्मा संभाले हुए जवानों को बॉडी वॉर्न कैमरा लगाए गए हैं, जिनका कंट्रोल पुलिस हेडक्वार्टर पर रहेगा और हर समय उस पर नजर रखी जाएगी। बॉडी वॉर्न कैमरा की टेक्नोलॉजी हर जगह हर विकसित देशों में यूज होती है, खासकर इंग्लैंड में, और वहाँ पे इंग्लैंड की पुलिस जो है अक्सर ये बॉडी वॉर्न कैमराज खासकर कॉन्स्टेबल्स के पास देती है। उसी तरह से हमारे भी यहाँ पे ये इनिशिएटिव लिया गया है और हमें उम्मीद है कि इससे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी में और बढ़ोतरी हो। प्रदेश सरकार जहां किसानों की आय दुगना करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है, वहीं सिंचाई योग्य पानी की कमी के चलते किसान अपने खेतों में फसलों की कम पौध लगाने पर मजबूर हैं। ऐसा आलम जिला सोलन के ढाको गांव के किसानों के खेतों में देखने को मिल रहा है, जहां किसानों के पास खेत तो है मगर उनमें से कुछ खेत पानी की कमी के चलते बंजर पड़े हैं। जिन खेतों में कुछ एक फसलें किसानों द्वारा लगाई गई हैं, वो भी पानी की कमी के चलते मुरझाने लगी हैं। इन किसानों की माने तो वे प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं, जो कि उनके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है, मगर पानी की कमी के चलते उनके प्राकृतिक खेती तो दूर, खेती करना भी असंभव होता जा रहा है। ऐसे में किसानों ने सरकार से मांग की है कि सरकार उन्हें बोरवेल आदि की जो योजनाएं दी जा रही हैं, उसके बारे में किसानों को अवगत कराए, ताकि किसान अधिक से अधिक इस तरह की योजनाओं का लाभ उठा सकें। हालांकि सरकार द्वारा सिंचाई के पानी के लिए टैंक आदि की स्कीमें किसानों को दी जा रही हैं, लेकिन किसानों का कहना है कि हिमाचल प्रदेश के गांवों की भौगोलिक स्थिति ऐसी नहीं है कि इन टैंकों के निर्माण के लिए जितनी राशि किसानों को दी जाती है, उससे कहीं अधिक टैंकों के निर्माण के लिए किसानों को कैरेज देना पड़ता है। ऐसे में किसानों ने मांग की है कि किसानों के लिए टैंक निर्माण की राशि बढ़ाई जाए, जिससे गरीब किसानों का भला हो सके और वे अपने खेतों के लिए पानी इकट्ठा कर सकें। जिला सोलन के ढाको के किसान दिनेश कुमार ने कहना है कि वे भी प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं, मगर वो तभी संभव है जब उनके खेतों में पानी पहुंचेगा। वे सरकार से चाहते हैं कि टैंकों के निर्माण पर दी जाने वाली राशि को बढ़ाया जाए, ताकि एक गरीब किसान भी अपने खेतों में टैंक बनवा सके। किसान जियालाल का कहना है कि उनके पास खेत तो है मगर पानी की कमी के चलते कुछ बंजर पड़े हैं, और जहां वे 10,000 पौधे लगाते थे, अब वे केवल 2,000 पौधे ही लगा पा रहे हैं। ऐसे में उन्होंने सरकार से मांग की है कि सरकार किसानों के खेतों तक सिंचाई योग्य पानी पहुंचाने में मदद करे। ये
अच्छे बोरवेल दे दे ताकि पूरे गांव के लिए पानी की सुविधा हो जाए। और ठीक है टैंक में सब्सिडी है, लेकिन जितने में गवर्नमेंट देती है टैंक की स्कीम उतने में एक छोटा टैंक बन पाता है, उससे गुजारा किसान का नहीं हो पाता है। अब ये सरकार कहती है कि आय दुगनी करनी है, आय दुगनी तो क्या है, किसानों का खर्चा पूरा नहीं होता है अगर पानी ना हो। प्राकृतिक खेती बहुत अच्छी है, ठीक है, उसमें लागत कम आती है, खर्चा कम आता है, लेकिन उसके साथ साथ सबसे मेन प्रॉब्लम है पानी की। तो सबसे ज़्यादा हमारे प्रदेश सरकार को चाहिए कि जो पानी की जो किसान को जो प्रॉब्लम आ रही है ये पूरी तरह सॉल्व की जाए। सोलन सिरमौर के लहसुन की पूरे भारत वर्ष में बेहद मांग रहती है। यहाँ का लहसुन खुशबूदार और स्वाद में बेहद अच्छा माना जाता है। यही वजह है कि सोलन की सब्जी मंडी में भारत वर्ष के व्यापारी आने को मजबूर हो जाते हैं। इस बात की खास बात यह है कि किसानों को उनकी फसल के दाम उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा मिल रहे हैं, जिसकी वजह से सोलन का किसान बेहद खुश है। एपीएमसी सोलन के सचिव प्रकाश कश्यप ने जानकारी देते हुए बताया कि सोलन और सिरमौर जिला में 22,000 हेक्टेयर पर करीबन 57,000 किसान लहसुन की खेती करते हैं। इस बार लहसुन के दाम शुरुआत में 65 रुपए किलो मिले थे, लेकिन आज किसानों को 125 रुपए किलो तक रेट मिल रहा है। यही वजह है कि सफेद लहसुन की वजह से किसानों के चेहरे आज लाल नजर आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि यहाँ के लहसुन की मांगे बेहद ज्यादा है, जिसकी कई वजह है। पहले ये कि फिक्की ने भी अपनी रिपोर्ट में सोलन के लहसुन को देश में अव्वल बताया है। दूसरी वजह ये है कि सोलन का लहसुन स्वाद है, बेहतर है और ग्रेड में भी बेहद अच्छा है। और तीसरी वजह है कि इस बार चाइना से लहसुन आयात नहीं किया गया, जिसकी वजह से सोलन के लहसुन की मांग और ज्यादा बढ़ गई है।